हेलो माय लवली ली जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं आज बनाने जा रही हूँ मोमो तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी इसे मोमो -मो कहते हैं ना कि मोमोज प्लीज ये इसमें कोई सिंगुलर प्लुरल नहीं होता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं टेस्टी वेज मोमो विथ चटनी फर्स्ट स्टेप पहले मैदे को हमें गूंद कर रेडी रखना है इसमें ना हमें ऑयल ऐड करना है ना ही नमक क्योंकि हमें पूरी नहीं बनानी है हमें मोमो के लिए डो बनानी है इसीलिए हमें बस पानी लगाकर ही इसको गूंदना है और जब हम गूंदे मैदे को तो ध्यान रखना है कि ना इसे सख्त गूंदना है और ना ही ज्यादा नरम और जब ये मैदा गूंज जाए अच्छे से तो हमें इसे इसे किसी पॉलिथीन या फिर किसी कंटेनर से अच्छे से ढक के एक तरफ रख देना है तो चलिए सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं हमें एक बाउल लेनी है उसमें सोयाबीन का चूरा डाल लेना है और इसे नरम पानी से भिगो के एक तरफ रख देना है और फिर हमें अब वेजिस के लिए प्याज को छील लेना है और जो प्याज का जो ऊपर का जो सख्त हिस्सा होता है उसको निकाल के फेंक देना है क्योंकि ये पकता नहीं है फिर हमें इन सारे प्याजों को बारीक बारीक हमको अच्छे से काट लेना है और फिर पत्ता गोभी लेनी है पत्ता गोभी को भी अच्छे से जो उसका अंदर का जो डंडा होता है सख्त वाला हिस्सा उसको निकाल के फेंक देना है इसके बाद इसको भी प्याज की तरह हमें बारीक काट लेना है कटे हुए पत्ता गोभी को धोना नहीं है क्योंकि हम पत्ता गोभी को पहले ही धो चुके हैं तो दोबारा धोने की कोई जरूरत नहीं है और इसमें आप नमक भी ऐड नहीं करेंगे पहले क्योंकि नमक डालेंगे तो ये फिर पानी छोड़ेगा इसलिए हम नमक को लास्ट में ऐड करते हैं जब मोमो बनाने के लिए उसको पैकिंग करते हैं अगर पत्ता गोभी अच्छे से कटाना हो तो मेरी तरह एक स्टील का गिलास लीजिए और उससे अच्छे से ऊपर से चॉपर की तरह चॉप करते रहिए इससे इतनी अच्छी चॉपिंग हो जाती है पत्ता गोभी कटिंग करते वक्त जो पत्ता छूट गया है वो भी अच्छे से चॉप हो जाती है तो चलिए फिर जो हमने सोयाबीन का चूरा जो हमने भिगो के रखा था उसको अच्छे से निचोड़ निचोड़ कर वेजिस में ऐड कर लेते हैं और ध्यान रखना है कि पानी हम अच्छे से निचोड़ कर ही डालें वरना वो पानी छोड़ेगा फिर इसके बाद वेजेज हमने फीलिंग्स के लिए कट करके रखे थे कैबेज अनियंस और सोयाबीन का चूरा इन सबको हम एक बाउल में मिक्स कर लेंगे अगर बर्तन छोटा पड़ जाए मिक्सिंग के लिए तो आप एक पराँत में उसको मेरी तरह शिफ्ट कर ले फिर मैं अदरक लेनी है जिंजर उसको मैं छील कर अच्छे से बारीक काट लेती हूँ फिर कूट लेती हूँ आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं फिर मैंने इसमें अजीनोमोटो लिया और मैंने लिया डालडा का पैकेट मुझे मोमोज में डालडा का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मेरे को रिफाइंड नहीं पसंद अगर आपको डालडा से प्रॉब्लम है तो आप रिफाइंड ले सकते हैं डालडा लेनी है तो हमेशा अच्छी क्वालिटी का डालडा यूज कीजिए जैसे रथ या फिर डालडा डालडा मोमोज के फिलिंग में ऐड करने से मोमो का जो टेस्ट है वो और भी ज्यादा एनहांस होके आता है फिर नमक स्वाद अनुसार डालनी है इसको अच्छे से मिक्स करना है तो चलिए अब बनाते हैं मोमो के लिए टेस्टी चटनी तो इसके लिए मैंने टमाटर ले लिया है थोड़ा सा अदरक और डेल खोरसानी इसका मतलब होता है राउंड चिली ग्रीन चिलीज का यूज कीजिए अब इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं अजीनो मोटो डालते हैं उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर ऐसा पेस्ट बनाना है हमें पहले मैदे के ऐसे छोटे छोटे गोले बनाने और इसको पूरी की तरफ बेल लेनी है और इतने छोटे बेलने हैं जितने आपको मोमो के साइज पसंद है जैसे मैंने पहले इकट्ठे में बेल लेती हूँ ताकि पैकिंग करने में मेरे को आसानी रहे मैं आपको मोमो के तीन तरह के डिजाइन सिखाऊंगी आप ध्यान से देखिएगा इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा फास्ट नहीं किया है ताकि मैं आप सभी को अच्छे से मोमो बनाना सिखा सकूँ मैंने एक पूरी ले ली उसमें मसाला डाला मैंने जो फीलिंग्स है उसको देखिए मैं कैसे करके ले रही हूँ आपको लेफ्ट हैंड में पकड़ना है और राइट हैंड से एक तरफ कोने को पहले आपको अच्छे से दबा लेना है फिर आपको बाएं हाथ के जो अंगूठा होता है उससे मसाले को अंदर की तरफ धकेलना है और जो आपका जो सेकंड फिंगर है उससे आपको उसको प्लेट्स की तरह जो साड़ी में प्लेट्स लगते हैं वैसे ही आपको पैकिंग करते जाना है देखिए परफेक्ट भले ही ना बने लेकिन आप कोशिश करते रहिए ट्राई करते रहिए मैं दूसरा स्टाइल सिखा रही हूँ जो कि सबको आता है पोटली स्टाइल लेकिन मैं पोटली की तरह ऊपर उसको घुमा के एकदम उसका पहाड़ नहीं बनाती हूँ क्योंकि वो पकता नहीं है तो मैं बीच में गैप रखती हूँ देखिए मैं क्या कर रही हूँ दाए हाथ से मैं प्लीट्स बना रही हूँ और जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसका थम जो है मैं उसे मसाला को दबाते जाती हूँ सेंटर से और आपको प्लीट्स जो है एक ही तरफ दबाते जाना है मैं मोमो के पैकिंग का तीसरा स्टाइल सिखा रही हूँ जो लीफ की तरह दिखता है देखिए इसके लिए आपको पहले क्या करना है हाथ पे लेके फिलिंग कर लिया आपने मसाले की उसको फिर एक तरफ अच्छे दबा के उसको फिर अंदर की तरफ जहां मसाला है उसके अंदर की तरफ आपको ढकेलते हुए जाना है दोनों की तरफ से लेना है किनारों से फिर उसको अंदर की तरफ ढकेलते जाएंगे तो आपको लीफ ज़्यादा डिजाइन मिलेगा इसी तरह से मैंने तीनों डब्बों में मोमो बना बना के फिल कर दिया और थोड़ा गैप रखना है जिस तरह से मैंने गैप रखा है वैसे करके आपको रखना है अगर आप थोड़ा क्लोज करोगे तो वो चिपक जाएगा देखिए रेडी हो गई है मेरी गर्मा गर्म मोमो अब इसका लुफ्त उठाया जाए गर्मा गर्म मोमो विथ चटनी तो कैसा लगा आपको मेरे व्यूअर्स मेरी मोमो की रेसिपी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी है तो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए टिल देन बाय बाय